हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारा तीसरा अध्ययन का दिन है, राइट? और हमने कल देखा कि किस प्रकार से व्यासदेव जी ने पूछा नारद मुनि को कि क्या करना चाहिए अभी इस चिंता से मुक्त होने के लिए। तो नारद मुनि ने कहा, आपको भगवान की स्तुति करनी चाहिए, यू शुड ग्लोरीफाई कृष्णा, राइट? और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए भगवान की स्तुति करने के लिए। ये बस हो गया अभी, धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्मकांड ये सब बस हो गया, अभी केवल और केवल शुद्ध भक्ति के बारे में लोगों को ज्ञान दो, भागवत महापुराण की रचना करो। और तब नारद मुनि ने कहा था, देखो मैं मेरे बारे में आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इस भागवत ने, राइट, इस भगवान ने मुझे बचाया था। तो वो अपनी कहानी बताते, वो कहते हैं कि पिछले कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था, राइट? नारद मुनि खुद के बारे में बता रहे हैं कि वो एक दासी के पुत्र थे, राइट? परंतु ये दासी क्या करती थी कि चातुर्मास्य में कई सारे साधुओं को अपने घर में बुलाती थी और उनकी सेवा का मौका ये छोटे बालक नारद को देती थी। और बालक नारद क्या करता था, उसे खेलने कूदने में बिल्कुल रुचि नहीं थी और ना ही वो बातें करने में कुछ उसको रुचि थी, उसे सेवा में काफ़ी रुचि थी। वो सारे जो ये ब्राह्मण थे, ये सारे सन्यासी थे, भक्ति वेदांति थे, उनकी वो सेवा करता था, उनको प्रसाद बांटता था हर रोज़। तो ये 4 महीने के लिए उनकी सेवा ये करता था बालक। तो भक्ति वेदांति जो सारे थे साधु लोग, वो नारद मुनि के ऊपर काफ़ी खुश हुए थे। तो नारद मुनि ने एक बार उन्हें पूछा, क्या मैं आपका महाप्रसाद खा सकता हूँ, आपका झूठा खा सकता हूँ? तो सारे साधुओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि हाँ खा सकते हो। तो उनके परमिशन से एक बार उन्होंने महाप्रसाद खाया था, उनकी कृपा जो थी नारद मुनि को प्राप्त हुई थी। तो नारद मुनि क्या करते थे हर रोज इस चातुर्मास्य के दौरान, वो हमेशा इन साधुओं से, इन तपस्वियों से भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते थे। और नारद मुनि कहते हैं, जब मैं सुनने लग गया भगवान के बारे में तो मेरे मन में, मेरे हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण और बढ़ते गया और बढ़ते गया। ये सुनने की लालसा थी और बढ़ती गई। और जब ये भक्ति वेदांती जा रहे थे, ये सारे तपस्वी लोग जा रहे थे चातुर्मास्य के बाद, तो जाते जाते उन्होंने मुझे कई सारे आशीर्वाद दिए, जाते जाते उन्होंने कई सारे उपदेश आध्यात्मिक जीवन के ऊपर मुझे दिए। तो व्यासदेव पूछते हैं, तो ये सारे साधु लोग चले गए, तपस्वी लोग चले गए, तो बाद में आपने क्या किया? तो नारद मुनि कहते हैं, जब सारे लोग चले गए तो मैं भी मेरे स्कूल में जाने लग गया, पाठशाला में जाने लग गया, गुरुकुल में मैं सीखता था, मैं 5 साल का छोटा बालक था और मेरी माता एक दासी थी। और जब एक दिन मैं दूर था माता से, तो मुझे पता चला कि मेरी माता को, जब वो गाय का दोहन करने जा रही थी, दूध निकालने जा रही थी सुबह सुबह, तो एक सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मैं काफ़ी दुखी हो गया, नारद मुनि कह रहे हैं, परंतु मुझे उन सारे भक्ति वेदांतियों के, तपस्वियों के उपदेश याद आ रहे थे और मैंने ये माना कि भगवान की ये मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जो भी मेरी आखिरी आसक्ति थी जो मेरी माता से थी, वो तो अभी उन्होंने छीन ली है, अभी मैं मुक्त हूँ। तो नारद मुनि जब वो 5 साल के थे, तो वो निकल पड़े उत्तर दिशा की ओर। उन्होंने कई सारे नगर देखे और कई सारे बड़ी बड़ी चीज़ें देखी, गरीब लोग देखे, सब कुछ देख लिया और आखिर में वो हिमालय पहुँचे। एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए और जिस प्रकार से इन तपस्वियों ने उन्हें योग साधना सिखाई थी, है ना, उस तरीके से वो पालन करने भी लग गए। कुछ ही दिनों बाद उनका हृदय जो था निर्मल हो गया और उस निर्मल हृदय में भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। जब नारद मुनि ने उस भगवान की मूर्ति को देखा, भगवान के सुंदर चेहरे को देखा, वो मोहित हो उठे, उनकी आंखों से अश्रु बहने लग गए, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए उनके शरीर में। परंतु दूसरे क्षण उन्होंने देखा कि ये मूर्ति गायब हो गई, ये भगवान का रूप गायब हो गया।
नाउ ही वॉज टोटली डिससेटिस्फाइड, एक यू नो असंतोष उनके हृदय में प्रकट हो गया कि कहाँ पे गए। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ मिल जाता है कई सारे सालों के प्रयास के बाद और वो चीज़ उससे छीन ली जाती है तो कैसा दुख होता है, उसी प्रकार से नारद मुनि भी दुखी हो गए, विलाप करने लग गए कि कहाँ पे गई ये मूर्ति, मुझे चाहिए, मुझे दर्शन लेना है उसका। और तब भगवान का आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ता है और वो कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपको मैं केवल एक यू नो सैंपल बता रहा था कि किस प्रकार से मेरा संपूर्ण रूप है, हाँ कैसा आनंद आपको भगवत प्राप्ति के बाद मिल सकता है, मैं केवल आपको ग्लिम्सेस दे रहा था कि आपकी तीव्रता भक्ति में और बढ़े और आपका हृदय और शुद्ध हो। तो नारद मुनि, आप जैसे भक्ति कर रहे हैं वैसे करते रहिए और इस जीवन के अंत में आप मुझे प्राप्त होंगे। तो नारद मुनि काफ़ी खुश हो गए और तभी से नारद मुनि भक्ति कर रहे थे, राइट। और उनके मृत्यु के बाद यू नो वो भगवान के पार्षद बन गए वैकुंठ में। और कई सारे वर्षों के बाद नारद मुनि ने फिर से इस सृष्टि में जन्म लिया। जब भगवान ने इच्छा की कि सृष्टि बनानी है तो ब्रह्मा जी को निर्माण किया गया, राइट। और ब्रह्मा जी के यू नो शरीर से कई सारे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, जैसे मरीचि हो गया, अंगिरा हो गया, और उनके साथ साथ ही नारद मुनि ने भी जन्म लिया। तो नारद मुनि कहते हैं, देखो व्यासदेव जी, नो केवल भगवान के बारे में सुनने मात्र से मेरे जीवन में कितना बदलाव हुआ। कौन था मैं? एक साधारण व्यक्ति था, दासी पुत्र था, क्या क्या काम करता था, और आज देखो मेरा शरीर, मेरा ये दिव्य शरीर है, ये दिव्य वीणा है, जैसे मैं बजाता हूँ ना वैसे भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये कैसे हुआ? ये केवल भगवान के भक्ति के बारे में हुआ। तो नारद मुनि एक चीज़ यहाँ पे बताते, वो कहते हैं, जब जब लोग विषय भोगों में अपने आप को रममाण करते हैं वो दुख का शिकार होंगे, परंतु जब जब लोग अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनके जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। व्यासदेव जी, यही चीज़ को समझिए, आपने लोगों को यू नो भौतिक चीज़ें कैसी प्राप्त करनी है उनके बारे में ज्ञान दिया है ना, कर्मकांड सिखाया, परंतु उससे ना हृदय में आनंद कभी उत्पन्न नहीं होगा। परंतु जब कोई व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान की सेवा करता है तो ही वो मेरी तरह इस आनंद की अनुभूति कर सकता है। और इसलिए ये मेरा आदेश है आपको कि आप क्या करिए, अभी केवल और केवल भक्ति के बारे में लोगों को सिखाइए। तो आज क्या इस चर्चा सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से नारद मुनि ने अपने खुद की जीवन की कहानी स्टोरी व्यासदेव जी को बताई और इंस्पायर किया कि आप भी भगवान को ग्लोरीफाई करो। इतना फ़ायदा होता है, देखो मेरे खुद के जीवन में इतना फ़ायदा हुआ, क्या से क्या बन गया मैं, अभी पूरी तरह से मुक्त विहार करता हूँ, जहाँ चाहिए वहाँ जाता हूँ, है ना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।